बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल मेबरा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया कराहल में जनसंपर्क, किए कई वादे। खबर कराहल से है, जहां रविवार को विजयपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मेवरा ने ढोल नगाड़ों के साथ पूरे कराहल नगर में जनसंपर्क किया और 17 नवंबर को कमल खिलाने का निवेदन लोगों से किया। इस रैली में शिवपुर बीजेपी के कई बड़े चेहरे भी शामिल हुए, जिन्होंने हाथ जोड़कर कराहल की जनता से बाबूलाल मेवरा के समर्थन में वोट मांगे। वहीं कराहल में भी कई जगह समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मेवरा का माला पहनाकर और पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। रैली में खूब आतिशबाजी गई और पार्टी के नारों से क्षेत्र गुंजायमान हो गया। बाबूलाल मेवरा जनता से कहते नजर आए कि इस बार भाजपा को जिताएं, सबसे पहले एक साल के अंदर कराहल को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाएंगे। सुनिए चुनावी मुद्दों को लेकर क्या कुछ बोले विधायक प्रत्याशी बाबूलाल मेवरा और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिनके कयास काफी समय से लगाए जा रहे थे, मिलकर जानेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग दो दशकों से सर आपकी सरकार है, किन मुद्दों बाकी है जिन पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? एक तो कराल में पीने के पानी, कराल पूरे विकास खंड में पीने के पानी का पुख्ता प्रबंध। दूसरा, खैरी एक गांव है जहाँ से कराल आने के लिए उनको 25-30 किलोमीटर का चक्कर खाना पड़ता है, रानीपुरा तक सीधा रोड डलवाना। एक सर घोषणा भी काफी समय से अधूरी है नगर पंचायत की, इस पे आप अगर जीतते हैं तो क्या कार्य करेंगे? मेरे जीतने के बाद एक साल के अंदर नगर पालिका बन जाएगी। एक और सर कंट्रोवर्सी चल रही है यहाँ पे आदिवासी वोट बैंक को लेके, कि जब से टिकट कटा है तो कुछ चर्चाओं में है कि आदिवासी कुछ नाराज हैं, क्या सर ये नाराज हैं या सिर्फ अफवाह है? पूरी अफवाह, चुनाव में अफवाह तो फैलती रहती हैं। आदिवासी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा। आपके सर जो विरोधी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी काफ़ी लंबी राजनीतिज्ञ हैं और काफ़ी बार चुनाव जीते हैं, सर चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण मानते हो आप? देखो, चुनौती कुछ नहीं, चुनाव में चुनौती होती भी और नहीं भी होती। रामनिवास जी 98 में हारे, 18 में हारे, अब भी हारेंगे। और क्या कुछ सर संदेश देना चाहते हो जनता को? सर आपके प्रचार में शोपुर के काफी बड़े चेहरे जैसे ब्रजराज जी मौजूद हैं, सब आपके साथ लगे हुए हैं, सर क्या कुछ कहना चाहते हो, कितने वोटों से जीत हासिल हो जाएगी? वोटों की जीत हासिल तो आज काउंटिंग तो हो नहीं रही है, मगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का ब्रजराज सिंह जैसा बड़ा नेता, अशोक ठेकेदार जैसा बड़ा नेता, दौलत गुप्ता, कैलाश गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता कराल ब्लॉक का पूरी ताकत के साथ लगा है। एक सर जो सरपंचों के अध्यक्ष हैं यहाँ से मुकेश मल्होत्रा, वो आज नामांकन कर रहे हैं विजयपुर से, काफी काफिला यहाँ से भी गया है सर, क्या लगता है सर जब निर्दलीय प्रत्याशी आदिवासी उतरेगा तो क्या नुकसान भाजपा को होगा या सर कांग्रेस को होगा? मैंने आपको बता दिया, आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, जुड़ा रहेगा और आदिवासी पूरी ताकत के साथ हमारे साथ है। हमारे साथ जुड़े थे बाबूलाल मेवरा जी जो कि पूर्ण जीत का दावा कर रहे हैं। अब अंततः 17 नवंबर को यह तय होगा कि किसकी जीत यहाँ। बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल मेवरा जी के प्रचार प्रसार के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, पहले आपको चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जमीनी हकीकत और आदरणीय बाबूलाल मेवरा जी का इंटरव्यू लेकर उन सारे बिंदुओं पर आप चैनल के माध्यम से पूरे विजयपुर क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकास कार्यों का, गांव गरीब किसान के हित में जो सरकार ने काम किए हैं उन सबको आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। सर आप एक बड़े चेहरा आने का जिम्मा है सर, श्योपुर में सर क्या कुछ लग रहा है इस बार? सर देखिए, अभी आज 30 तारीख को फार्म डल रहे हैं और 30 तारीख के फार्म डलने के बाद 2 तारीख को फार्म वापसी के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन कौन प्रत्याशी मैदान में रहते हैं और उसके बाद ही चुनाव के समीकरण लगेंगे और प्रचार का गति पकड़ेगा। रामनिवास रावत जी हैं सर कांग्रेस से, आप उसके तो काफ़ी करीब ही रहे हैं एक समय के, कितना कुछ चुनौतीपूर्ण है सर इस बार, क्या हालत होगी कराल में? सर देखिए, मैंने जब से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ और विजयपुर क्षेत्र में मैंने जाकर देखा है, पूरे विजयपुर क्षेत्र में इतने सड़कों की दुर्गति है, जो मुख्य सड़क है टेंटरा से लेकर धोबनी तक की, उसकी हालत खस्ता थी और लगातार वो वहाँ से 5-6 बार चुनाव जीते लेकिन उस मुख्य सड़क को ही वो नहीं बनवा पाए, सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतकर और उनका पूरा फोकस भ्रष्टाचार और हर विकास कार्य में हिस्सेदारी, यहाँ तक कि पंचायतों में भी भ्रष्टाचारी का
हिस्सेदारी वहाँ रहती थी। और इस सबको जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैंने प्रत्येक विजयपुर की आम सभा में इन सब बिंदुओं को उठाया और जनता ने उस बात को स्वीकार किया। और आज बाबूलाल मेवरा जी जैसा अनुभवी और हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेता आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरे प्राणपण और संकल्प के साथ लगे हुए हैं। पूरी कराल की जनता सर एक ही आज टिकाए हुए है कि यदि इस बार सरकार बनती है, विधायक जीतते हैं, तो सर नगर पंचायत हो पाएगी क्या? सर आप अपने तरफ से क्या वचन देते हैं? नगर पंचायत के जितने मापदंड हैं सरकार के, 20,000 से अधिक की आबादी प्लस एक जो मुख्य यहाँ नगर पंचायत बनने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ये ट्राइबल विकास खंड है। और ट्राइबल विकास खंड के कारण से इसको नगर पंचायत बनाने के पूरे प्रक्रिया शासन स्तर पर पूरी कर ली गई है। सारे जो है तहसील के और सारे रिकॉर्ड और ये सारे शासन के यहाँ लंबित हैं। और जैसे ही बाबूलाल जी मेवरा बनेंगे, हम सब लोग मिलकर नगर पंचायत बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कराल की आम सभा में भी इसको नगर पंचायत बनाने की घोषणा की थी, उसको हम सब लोग मिलकर पूरा करवाएंगे।